हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, कोमा, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। विराम। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। विराम। इस जटिलता को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं है, वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। विराम। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। विराम। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गई और वहां हिंदी का प्रचार किया गया। विराम। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। विराम। तब हम अंग्रेजी से दूर थे, कोमा, और हिंदी के निकट थे। विराम। लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, कोमा, अपना शासन है, कोमा, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। विराम। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एकमत था। विराम। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी। विराम। लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। विराम। अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विराम। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। विराम। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। विराम। यह सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विराम। आज इसका
विरोध बढ़ता जा रहा है, विराम। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, विराम। लेकिन ऐसा नहीं है, विराम। सबसे पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है, विराम। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, विराम। लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है, विराम। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है, विराम। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है, विराम। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए, विराम। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए, विराम। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे, कोमा। अब वह समय आ गया है, विराम। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।